दोस्तों आज हम बात करेंगे FH812T के बारे में और देखेंगे उसमें आने वाले कॉमन फॉल्ट के बारे में और उन फॉल्ट को कैसे चेक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है उषा कंपनी का FH812T रूम हीटर। इसमें 1000 वाट के दो हीटिंग एलिमेंट लगे हैं, इसका मतलब ये कुल 2000 वाट का हीटर है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके सभी पार्ट्स को। सबसे पहले ये है इसका पावर इंडिकेटर। ये है इसका थर्मोस्टेट। और ये है इसका फैन जो दोनों साइड से हवा खींच के एलिमेंट के सामने से गुजारता है। ये है इसके दोनों एलिमेंट। ये है इसका थर्मल कटआउट। कभी किसी वजह से फैन हवा कम खींच रहा हो या खराब हो गया हो तो हीटिंग एलिमेंट ओवरहीट हो जाएंगे, तो उस परिस्थिति में थर्मल कटआउट कट ऑफ हो जाता है और हीटर को बंद कर देता है। इसमें ज़्यादातर ये फॉल्ट आता है कि इसके कनेक्टिंग पॉइंट पर कार्बन आ जाता है, तो इसको सैंड पेपर की पतली स्ट्रिप काट कर दिखाए अनुसार साफ करें। साफ करके इसकी कंटिन्यूटी चेक करें कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए ये सही से कनेक्ट हो रहा है। थर्मोस्टेट में भी सेम यही फॉल्ट आता है, तो इसको भी इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस स्विच में 4 स्टेप हैं। एक तो NC मतलब खाली है, यानी इस स्टेप पर स्विच ऑफ रहता है। फर्स्ट स्टेप पर सिर्फ फैन कनेक्ट होता है और सेकंड स्टेप पर फैन और एक हीटर कनेक्ट होते हैं।
और थर्ड स्टेप पर फैन और दोनों हीटर तीनों चीज़ कनेक्ट हो जाती हैं। ये है इस हीटर का कंप्लीट सर्किट डायग्राम ओरिजिनल कलर कोड के साथ। दोस्तों, ये स्विच खराब हो जाए और आपको आसानी से ना मिले तो आप इसको 3 6 एम्पियर टॉगल स्विच के साथ बना सकते हैं। इन टॉगल स्विच को आप हीटर के बैक साइड में या जहां आपको सूटेबल लगे वहां पर लगा सकते हैं। मैं इस डायग्राम में बता देता हूं इन टॉगल स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके सारे पार्ट्स और उनमें आने वाले कॉमन फॉल्ट। चलिए इसको वापस असेंबल कर देते हैं।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।